आज तो लगता है पराठे ज्यादा खा के आए। गुड मॉर्निंग, पीछे वालों की आवाज भी आ रही है। सो तैयार हो क्या करने के लिए? योगा करने के लिए। कल जो होमवर्क दिया था किया? पानी किस किसने पिया? अभी भी कुछ लोगों ने नहीं पिया ना, गुड। नीचे कर लो हाथ। पानी पीना सेहत के लिए कितना फायदेमंद है इसको ध्यान से सुनो बेटा, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं। हाँ। खाना खाते हुए पानी कितने लोग पीते हो? खाते हुए, खाना खाने के बीच में, खाने के बाद, इमीडिएट बाद कितने लोग पीते हो? अरे बाप रे, इतने सारे। अच्छा, अगर आपने चूल्हे पे पानी रखा है उबलने के लिए, जिसका होम साइंस का प्रैक्टिकल है वो फैशन डिजाइनिंग रूम में चले जाए। पतीला आपने गैस पे रखा है, चूल्हे पे रखा है, उसमें पानी डाल रखा है ना, और पानी उबल रहा है। अब आप क्या करो, उसके अंदर जाके ठंडा पानी, तो क्या होगा? जो पतीले के अंदर है वो कोसा हो जाएगा, नॉर्मल सब्जी बन रही है, सब्जी बन रही है, बन गई, पक गई बिल्कुल। और आपने एक गिलास पानी ले जाके उसमें ठंडा, तो क्या बनेगा सब्जी का? कुछ और ही बन जाएगा, हलवा बन रहा है। हलवा अच्छे से पक गया, अब आप एक पानी का गिलास उसके अंदर, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें HCL की सिक्रेशन होती है जो खाने को पचाने में लगती है। तो खाने से 15-20 मिनट पहले पानी पीना है, खाने के बीच में तो बिल्कुल नहीं पीना, और खाने के 1 घंटा बाद पानी पीना है, अगर हमारे पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने ठीक से चलाना है। तो तीन बातें पानी के रिगार्डिंग। एक तो सुबह उठते ही पानी पीना है सबसे पहले, ब्रश करने से भी पहले, और रात को ब्रश करके सोना है, ये ध्यान रखना है। जिसने रात को ब्रश करके नहीं सोया वो सुबह ब्रश करके पी सकता है। मुंह में जो सलाइवा इकट्ठा होता है, लार इकट्ठी होती है, डाइजेस्टिव जूस का काम करती है, वो सारा पेट में जाना चाहिए, उसे आयुर्वेद की भाषा में उषापान बोलते हैं। तो एक तो सुबह उठते ही पानी पीना है, दूसरा खाने से 15-20 मिनट पहले पी सकते हो, बीच में नहीं पीना। खाने के इमीडिएट बाद 1-2 घूंट पानी की ले सकते हो, ताकि मुंह में कुछ रह गया हो या फूड पाइप में कुछ चिपका रह गया हो तो वो पानी के साथ स्टमक के अंदर चला जाए। और खाने के 1 घंटा बाद पानी पीना। ये इतनी बातें आपने फॉलो कर ली तो 50-60% प्रॉब्लम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, जैसे एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, अल्सर की प्रॉब्लम, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, फीवर, ये प्रॉब्लम सिर्फ पानी को मैनेज करने से ही नहीं आएंगे। लेकिन अभी तो हम स्वस्थ हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, तो सर तभी मारे जाए, तो कुछ लोग अभी भी नहीं पी के आए। तो कोशिश करनी है कि पानी जीवन का हिस्सा बने, और इन तीन तरीकों से पानी पीने की कोशिश। और फिर तीन आसन कौन से, वो किस किसने किए सुबह आज? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, बस 18 लोगों ने, बाकी नहीं चाहिए, बाकियों को अपने स्वास्थ्य प्यारा नहीं है। डॉक्टर जब बोलते हैं ना, तो फिर हम डॉक्टर के कहते ही फिर हमारे पास टाइम भी बहुत होता है, फिर हम सारे काम से छुट्टी लेके 15-20 दिन लगाने को भी तैयार होते हैं, लेकिन वो टाइम वापस नहीं आता जो अभी आपके पास है, वो रिटर्न नहीं होगा, वो वापस नहीं आएगा। अगर रूटीन में 1-2 आसन करना शुरू कर ले, तो धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी स्टडी,
आपका फिजिकल और मेंटल बैलेंस, माइंड और बॉडी का बैलेंस, और हमारा व्यवहार। योग में सबसे ज़्यादा जोर जो है वो हमारे व्यवहार पे है, हमारे बिहेवियर पे है। कि योग करने से हम कहते तो हैं कि मन को शांति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, संतुलित रहते हैं, वो इस तरह से प्रभावित नहीं करता कि हम कौन सा आसन कर रहे हैं, सिर नीचे है कि टांगे ऊपर हैं, कि कितना फ्लेक्सिबल है, कि कितनी स्ट्रेंथ है, वो मैटर करती है सारी चीज़ें, बट उससे इम्पॉर्टेंट है हमारा बिहेवियर और एक्चुअल बिहेवियर, बनावटी नहीं। कितना हम आराम से शांति से किसी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, और उसका रोल जो मेन है वो सिखाती है हमारी श्वास। श्वास चल रही है सबकी, पक्का रुक तो नहीं गई किसी की? अच्छा फिर ठीक है, रुक गई होती फिर यहाँ होती ही नहीं। तो श्वास चल रही है तो जीवन चल रहा। अभी एक छोटा सा आसन करेंगे तो श्वास की भाषा समझ में आएगी। थोड़ा प्रैक्टिकली चल रहे हैं ना, कि ताड़ासन, तिरिक ताड़, कटी चक्कर, एक एक बार कर लेते हैं ना ताकि याद हो जाएगा। फिर अगले दो आसन और कराऊंगा आज मैं सिर्फ। तो पहले पैर मिला दो, फिर साथ साथ प्रैक्टिकल करते जाएंगे कि सांस का आसन के साथ क्या रोल है, और सांस का माइंड के साथ क्या रोल है, बॉडी और माइंड दोनों के साथ ब्रेथ कैसे काम करती है। ताड़ासन, फिंगर्स इंटरलॉक कर लो, हथेलियां बाहर की तरफ, स्ट्रेच करके ऊपर ले जाओ। वेरी गुड, परफेक्ट। एड़ियां उठा दो ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर, बस 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 बस, आसमान थोड़ा नीचे से ही है, ज्यादा ऊपर करोगे तो हाथ पहुंच जाएंगे। एड़ियां नीचे ले आओ और साइड से हाथ नीचे, एक बार और, अगेन एड़ियां उठा दो ऊपर। आज हम आंखें बंद नहीं करेंगे, ठीक है? आज हम आसमान की तरफ देखेंगे ऐसे ऊपर, ऊपर की तरफ देखना, लेकिन कथक नहीं करना। अपनी उंगलियों की तरफ देखो या आसमान की तरफ देखो, एड़ियां उठा के। क्या हो रहा है? कथक हो रहा है? वापिस आ जाओ। इस कथक आसन तो वही है ताड़ासन, सिर्फ हमने ऊपर देखा, क्या हुआ? बॉडी इम्बैलेंस। चलो एक तरीके से और कराता हूँ इसको। अभी आपने हाथों को सीधा करना है और अपनी उंगलियों के पीछे देखते रहना है, यहाँ उंगलियों को देखते जाना है, पैर मिला के रखने, स्ट्रेच करते जाओ ऊपर, ध्यान उंगलियों पे, उंगलियों को देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, पूरा ऊपर तक स्ट्रेच कर दो, और जब पूरे ऊपर चले जाओ फिर एड़ियाँ उठा दो। वेरी गुड। एड़ियां थोड़ी कम उठाओ चाहे, पर ऊपर देखो। अब देखो माइंड कहाँ है, मन कहाँ है, मन कहाँ है? कौन सी उंगलियों, हाथों की उंगलियों पे कि पैरों की उंगलियों पे? गुड। एड़ियां नीचे, हाथों की उंगलियों पे तो आंखें थी, पैरों की उंगलियों में माइंड था। तभी स्थिति में माइंड को अपने में लेके आना कितना आसान है। दूसरा आसन तिरिक ताड़ासन करो, फिर पैर खुले, राइट हैंड अप, एक एक बारी करेंगे इसकी तीनों कैटेगरी आज। लेफ्ट साइड बेंड, साइड में झुक जाओ पूरा, एक हाथ नीचे, एक हाथ नीचे, डोली बेटा ठीक कराओ इधर आके, अप, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। आज मन नहीं लग रहा आपका ना, दूसरी साइड से करो आप, श्वास छोड़ के नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, राइट हैंड अप, आपका राइट मेरा लेफ्ट होगा, हाँ, साइड चेंज, डाउन, बेंड बेंड बेंड, पूरा नीचे चले जाओ, हाथ कमर पे रख दो, पीछे वाला हाथ कमर पे, नीचे वाला हाथ जो है वो कमर पे, लेफ्ट हैंड बैक पे। ये चीटिंग कर रहे हैं लास्ट लाइन वाले सारे। वापस अप एंड डाउन, साइड चेंज, हाथ सीधा ऊपर, डाउन, नीचे नीचे नीचे, जब पूरे नीचे चले जाओ तो हाथ, नीचे वाला हाथ राइट हैंड बैक पे रख दो, दूसरा हाथ कान के साथ, ऊपर वाला हाथ कान पे, इनहेल अप,
एक्सहेल डाउन। अब इसकी लास्ट वेरिएशन, दोनों हाथ ऊपर, हथेलियां ऊपर। अब एक साथ आपने अपनी लेफ्ट साइड बेंड करना, पहले इनहेल आप श्वास लेके ऊपर, दूसरी तरफ श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इनहेल आप एक्सहेल डाउन। और तीसरा आसन ट्विस्टिंग कटी चक्र आसन, हाथ सीधे, एल्बो बेंड, लेफ्ट साइड से ट्विस्ट करो पीछे की तरफ, लेफ्ट हैंड बैक पे, राइट हैंड ऑन द लेफ्ट शोल्डर, बायां हाथ पीछे नेवल की तरफ और दायां हाथ बाएं कंधे पे, पीछे पीछे नाभि की तरफ लेके जाओ बेटा हाथ। सांस नाक से चलने दो, मुंह में मक्खी घुस जाएगी नहीं तो। श्वास लेके वापस, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ से पीछे। कम बैक वापस लेफ्ट साइड से पीछे, एक एक बार और कर दो। वापस राइट साइड से पीछे, राइट साइड से डॉली इसका ठीक करा बेटा, गुड़िया का ठीक करा। हाँ बस वापस रिलैक्स। तो ये तीन आसन, तीनों आसनों का अभ्यास, और कभी भी योग में आगे आपको जीवन में सीखने का मौका मिले तो कभी किसी बुक में पढ़ना ये तीनों आसन कितने हेल्पफुल हैं हमारे पूरे जीवन के लिए, सिर्फ फिजिकल मेंटल बॉडी के नहीं, पूरी लाइफ को कैसे हमारी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब इसके साथ श्वास का रोल मैं बता रहा था कि जैसे ही कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हमारी ब्रेथलेसनेस होती है, श्वास उखड़ती है ना। जैसे ही श्वास तेज होती है तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है, नेचुरली श्वास पे जाएगा। अगर सांस तेज हो रही है तो ध्यान ऑटोमेटिकली श्वास पे और हार्ट बीट पे जाता है। अगर मन में कोई विचार आए, कोई थॉट आए टेंशन का, एंजाइटी का, स्ट्रेस का, तब भी हमारी श्वास तेज होती है। गुस्सा आता है तो श्वास कैसे चल रही होती, नोट किया कभी, गुस्से में श्वास बहुत तेज चलती है। लेकिन क्या हुआ बेटा, चक्कर आ रहा है, किसको आ रहा चक्कर, अगर किसी को चक्कर आए तो बैठ जाना। तो क्या बात कर रहा था मैं, सांस की श्वास की, सांस की, ओके फिर ठीक है। तो श्वास का तेज होना शरीर और मन दोनों से, गुस्से में श्वास हमारी बहुत तेज चलती है, कभी नोट करना। और श्वास अगर हमारी गहरी हो, डीप हो, तो ना तो फिजिकल बॉडी में ऑक्सीजन कहां से जाती है, ऑक्सीजन कहां से जाती है बॉडी के अंदर, नाक से इनहेल करते तो एनर्जी कहां से मिली, ब्रेथ से। और ब्रेथ अगर डीप है तो बॉडी को एनर्जी मिलती जाएगी, और अगर विचारों में कोई तनाव है, टेंशन है, एंजाइटी है, तो सांस अगर गहरी कर लेंगे तो वो तनाव, वो टेंशन हमारी धीरे 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 कम होती जाएगी। तुम थोड़ा सा फिजिकल काम करते हैं एक दो मिनट कि किस तरह से हमारी सांस उखड़ती है, ठीक है। कुर्सी पे बैठना आता है सबको, बैठ के दिखाओ, कुर्सी पे बैठना है, हाँ क्या बात है। और हाथ सामने करके बैठना हो तो हाथ सामने करके, वेरी गुड। हाँ बस कुर्सी पे बैठे रहो आराम से, हाथ सामने, वेरी गुड। वापस अब अगर यहां पे 10 सेकंड रुकना हो कुर्सी पे बैठ के, अब राजा बन के बैठे है ना, चलो एक साथ करना है। वन, हाथ सामने कर लो पहले, इनहेल करो यहां पे, श्वास लो, एक्सहेल डाउन, नीचे जाओ भैया, बम्पर कम हो जाएगा कुछ। हाँ वेरी गुड, 10, 9 आपके लिए भी है ये छोटे महाराज। 3, कहां पे था मैं, 4, 5, यस, 6, 7,
अरे पीछे वाले बहन जी थोड़ा नीचे तो जाइए, संगीता जी के पास, पीढ़ी आसन में नहीं बैठना, कुर्सी आसन में बैठना है, छोटे महाराज नहीं बनना वापस। अच्छा अगर थोड़ा और ऐसे लगे प्रफुल्लता के मैं तो राजा हूं, तो कैसे बैठते हैं कुर्सी पे? हाँ ऐसे ऐसे ट्राई करो, प्रयास करने में क्या जा रहा है। वेरी गुड, ट्राई ट्राई ट्राई, कोशिश करो, राजा बनना है भाई, और अपने राजा बनना है, शरीर के मन के, ऐसे नहीं ये कौन सा राजा हुआ, राजा वाली फीलिंग तो आनी चाहिए, ऐसे आ हा हा ऐसे, प्रयास थोड़ा सा प्रयास। अरे भैया नीचे तो जाइए, अरे महारानी बन जाइए, राजा नहीं बनना। वेरी गुड, वापिस आ जाओ, अब साइड चेंज करके देखो दूसरी तरफ से, अब एक टांग तो मजबूत हो जाएगी, दूसरी ऐसे चलोगे फिर कल को, तो पहले से ही थोड़ा नीचे एक टांग, दूसरी ऊपर कर दो, महाराज की जय। अब ऐसे ऐसे राजा थोड़ा बनते, अगर ऐसे ऐसे हिलोगे दूसरा क्या बोलेगा, कहेंगे ये क्या है बीमार लग रहा है, राजा वाली ऐसे वापिस रिलैक्स। अभी आंखें बंद कर दो एक मिनट के लिए, आंखें बंद आंखें बंद आंखें बंद, और अपनी श्वास को ऑब्जर्व करो, फील योर ब्रेथ, ऑब्जर्व योर ब्रेथ, मुंह बंद आंखें बंद, श्वास नाक से लो और देखो धीरे धीरे श्वास कानों से बाहर आ रही है, नोट करना है, पूछूंगा मैं कि कानों से श्वास बाहर आई थी कि नहीं आई। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, फील योर ब्रेथ, रिलैक्स, आंखें खोलो, श्वास चल रही है सबकी, थोड़ी सी तेज हुई कि नहीं? जैसे ही ये पोस्चर करोगे, जिन्होंने किया जिन्होंने नहीं किया शायद उनकी श्वास तेज नहीं हुई होगी, तो जैसे ही कोई फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी का सर्कुलेशन तेज होगा, हार्ट बीट बढ़ेगी और श्वास हमारी तेज होगी। इसी तरह से मन में कोई थॉट आएगा, मन में कोई विचार आएगा, बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होगी सबसे पहले। एग्जाम्पल देता हूँ, गली से जाते हो, चलते चलते अचानक से कुत्ता पीछे पड़ जाता है, आवाज आती है एकदम से, ऐसे डर जाते हैं ना, डरते ही हमारी हार्ट बीट कैसे होती है, टक 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 टक, एकदम फटाफट से पता लगता है कि हाँ, और सांस सांस तेज होगी भाई, हमने कोई एक्सरसाइज नहीं की, विद इन सेकेंड ऐसे इतनी देर लगती है, थॉट आया ये कुत्ता काट लेगा, डर है हमारे अंदर, उस डर के कारण बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुई, कॉन्ट्रैक्शन से सर्कुलेशन हार्ट बीट बढ़ी, और तो हमने क्या करना है, दो तीन एक्सरसाइज हमें ऐसी आए जो श्वास को गहरा करती हो, तो पैर थोड़े से खोल दो आप आराम से, चक्कर किसी को आ रहा हो तो बैठ जाना, बस ये लास्ट दो एक्सरसाइज करानी मैंने, जिसको आ रहा हो बैठ जाना, दूसरे को मत कहना, पैर थोड़े से खुले रखने हैं, खुले का मतलब ज्यादा नहीं खोलने, थोड़े से खुले अपने आप सिंपल, हाथों को ऐसे साइड से ऊपर लेके जाना, हथेलियां खोल दो, उंगलियां खुली हथेलियां ऊपर, श्वास बाहर छोड़ो, यहां पे एक्सहेल करो, इनहेल अप श्वास लेके ऊपर, ऊपर देखना है, लुक अपवर्ड, और श्वास छोड़ते हुए सामने से नीचे ले आओ, एक बार और इनहेल अप, लंग्स को जितना एक्सपेंड कर सको करो, एक्सहेल डाउन सामने से नीचे, लास्ट टाइम इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स, बैठ जाओ सभी, क्रॉस लेग करके बैठ जाओ, या जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे बैठ जाओ। अभी
जो हमने लंग्स की एक्सरसाइज की ये एक की है। ये सारी एक्सरसाइज बैठ के भी हो सकती है, कुर्सी पे बैठ के भी, बेड पे बैठ के भी, जिस तरह आपका मन करे वैसे। पर्पस क्या है हमारा, ये लंग्स का रीजन है, इसको हमने फैलाना है, इसको एक्सपेंड करना है, कैसे, श्वास की गहराई के साथ। इसे दो बार और करेंगे हम, ठीक। हाथ ऐसे करो साइड में बैठे बैठे, बस पीठ को थोड़ा सीधा कर लो। इनहेल अप, ऊपर देखना पूरा, और पीछे पीछे ऊपर देखो। खासतौर पे जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस हो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। श्वास छोड़ते हो सामने से नीचे, स्लोली डाउन, अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स। अब प्रणाम मुद्रा में हाथ जैसे रखते हैं, ये दूसरी एक्सरसाइज है लंग्स एक्सपेंशन की। तीन बतानी है मैंने, वैसे छह है पर आपको तीन ही कराऊंगा आज, समय हमारे पास इतना ही। प्रणाम मुद्रा में हाथ, अब हाथ ऐसे रहेंगे, ये जो रीजन है एल्बोज वाला ये ऐसे उठाना है आपने, यानी ये लाइन सिंगल रहनी चाहिए, एल्बो ना पीछे हो ज्यादा ना आगे हो। तो इस तरह से इनहेल, एक्सहेल डाउन, हाथ फिर से प्रणाम मुद्रा में आगे, इनहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, लास्ट इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रिलैक्स। अच्छा, अब किसी को कोल्ड की प्रॉब्लम हो, कफ रहता हो, नेजल एलर्जी हो, ऐसी प्रॉब्लम बहुत आती है ना, या सर्दी बहुत लगती हो, खांसी बहुत जल्दी होती हो, जिसको कफ की प्रॉब्लम हो, यानी कि गले में, नाक में, छाती में से कंजेशन से लगे, म्यूकस ज्यादा बढ़ रहा हो, भंगड़ा पाना होना, भंगड़ा कैसे करते हैं, बैठे बैठे, हाँ ऐसे ऐसे। अब बैठे बैठे भंगड़ा पाना है तो ऐसे जो एक्सरसाइज की हमने ये, लेकिन इनहेल एक्सहेल करके देखो, थोड़ा तेज कर दो, वेरी गुड वेरी गुड। अरे भैया भंगड़ा नहीं पाना तो है, शर्मा के बाहर ऐसे ऐसे, हाँ वेरी गुड। अब इसके अंदर अगर सांस को ऐड कर दे हम, पाना तो भंगड़ा ही है, इनहेल एक्सहेल, और थोड़ा तेज कर दे, है ना मजेदार के नहीं है, पक्की बात है। तो एक बार ट्राई करें, ओनली 20 टाइम, सिर्फ 20 बार, 1 2 3 स्टार्ट। हाथ तो हिलाओ, क्या बात, लंगर लगाए भैया हम थोड़े, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 20 बार तो करना है सबने, दो तीन तो ऐसे कर रहे हैं, कहाँ हुआ, अच्छा करके दिखाई दे रहा, जल्दी से भाग के, अरे जल्दी आ, डेमो करवाते हैं, चढ़ जाएगा यहाँ से, भाग के चढ़ जाए फिर। चल क्या नाम है आपका, अनिकेत, आ जा फिर, सबको बताना है कैसे करना है, या खड़े हो जाओ, भंगड़ा करना है ऐसे जैसे हमने किया था ना अभी, एक बार डेमो करके दिखाएगा, प्रयास करने में क्या जाना, बैठे बैठे कहाँ से चक्कर आएंगे यार, करके देखते हैं, बात करके ऐसे करना है ऐसे, हाँ एक्सहेल, फिर से थोड़ा तेज कर दे, सांस तो ले, स्माइल जरूरी है, यस, मुंह बंद करके, स्माइल मुंह बंद करके आनी चाहिए, वहाँ मक्खी मच्छर घुस जाएगा ये कह रहा है। चल गुड, थैंक यू, ऐसे करना है ठीक है, हाँ बस छलांग मार के चलाएं। तो ये इस तरह से लंग्स की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डलाइटिस हो तो फिर थोड़ा धीरे करना है, ये ध्यान रखना है। आपने घर पे जाते ही सबको करवाना शुरू कर देना, मम्मी गर्दन दर्द हो रही है ना, सर्वाइकल ना, मैं बताती हूँ ये वाली एक्सरसाइज करो, अगले दिन पता लगे मम्मी डॉक्टर के पास बैठी हो, तो उनको नहीं करवानी है, उनको यही करवानी है धीरे वाली, ठीक। तो अब लास्ट बात कह के मैं अपनी बात बंद कर देता हूं। हमारी एनर्जी के सोर्स कितने हैं, ऊर्जा कहां से मिलती है हमें,
खाना खाते हैं, खाने से ऊर्जा मिलती है, खाना ना खाएं तो कैसे लगता है, डल डल से भूख लगी होती है, चक्कर भी आ जाता है, पता नहीं क्या क्या होता है। फिर दूसरी ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ऑक्सीजन कहाँ से जाती है, नाक से। और तीसरी ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कहाँ से मिलती है एनर्जी, कहाँ से आती है हमारे अंदर, विचारों से, थॉट से। तो पहला ऊर्जा का स्रोत हमारा है खाना, दूसरा श्वास, और तीसरा हमारे थॉट्स, हमारे विचार। अगर हमारे विचार, और जैसे हमने भंगड़े का नाम लिया, सबके अंदर एक ऊर्जा भर गई डांस की, स्माइल भी आ गई, तो ये तीनों ऊर्जा हमारी इच्छा है कि हमने किसको चूज करना है, खाना कैसा खाएंगे ये हमने चूज करना है, हमारी चॉइस है। कैसी ऊर्जा हमें चाहिए ये हमारी चॉइस है। अब पिज्जा खाना है, गड़बड़ खाना है, सॉरी बर्गर खाना है, चाउमीन खाने हैं, मोमोज खाने हैं, मैं खाने को मना नहीं कर रहा है, सारी चीजें मैं सारी खाता हूँ, बट महीने में, दो महीने में एक बार, उस टाइम पे खाना नहीं फिर, ताकि जीभ का टेस्ट भी आता रहे और मेरी स्वास्थ्य, मेरी हेल्थ भी ठीक रहे। दूसरा, श्वास हमें ठीक से आए तो लंग्स एक्सपेंशन की ये एक्सरसाइजेस, बड़ा स्मूथली श्वास आए, डीप श्वास आए, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाए, तो योग की ये दो तीन एक्सरसाइजेस प्रीपरेटरी प्राणायाम प्रैक्टिस कहते हैं, प्राणायाम से पहले की एक्सरसाइजेस। तीसरा, हमारे विचार, सोचते कैसे हैं, टीवी में क्या देखते हैं, फेसबुक पे क्या देखते हैं, इंस्टाग्राम पे क्या देखते हैं, यूट्यूब पे क्या देखते हैं, जैसे हम देखेंगे वैसे विचार होते जाएंगे, और वैसे ही हमारी बॉडी उसी तरह से उस पर इफेक्ट आएगा। अगर आप लड़ाई वाली मूवीज देखते हो, एक्शन मूवीज देखते हो, तो नेचुरल है कि आपकी बॉडी वैसा ही रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है, धीरे धीरे आपके बॉडी के एक्शन, मुट्ठी अपने आप बंद होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप कोई स्पोर्ट्स वाली एक्सरसाइज देखते हो, या स्पोर्ट्स की कोई वीडियो देखते हो, कोई गेम देखते हो, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तो आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करने लगती है। जरा नोट करना कि जो जो हम टीवी में देखते हैं, हमारे विचार भी, हमारी बॉडी भी वैसा ही रिस्पॉन्ड करती है। तो कैसे विचार ले रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं टीवी में, तो तीन हमारे ऊर्जा के स्रोत थे, इसी हिसाब से हमने अपने जीवन को चलाना है। अभी स्कूल में आप थोड़ी देर तो हम बताएंगे, कुछ और टीचर बताएंगे, पूरी लाइफ तो आपने खुद जीनी है, कोई साथ में नहीं चलेगा आपके, कोई बताने वाला नहीं होगा, लेकिन हमने खुद अपने अंदर कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना है, ये बेस होता है स्कूल की लाइफ जो हमारी। तो ये तीन ऊर्जा के स्रोत। अब आखिरी बात, ये जो अब तीन दिन का कैंप था हमारा, आज तीसरा दिन है, इसके बाद हम प्रेयर करनी है क्या, असेंबली वाले प्रेयर करते हैं, कौन सी प्रेयर करते हो, प्रेयर कौन सी करते हो आप यहाँ पे, हर देश में तो कौन आता है स्टेज पे, आते होते बच्चे दो चार, ओके, और उसके बाद फिर राष्ट्रीय गान करना है, ठीक है, हाँ जी बेटा, हाँ एक्सरसाइज तो आप मुहरी होगी ना आज फिर। तो ये सारी जो आप देख रहे हो, जो ये वीडियोस हैं, जो बन रही थी, कल भी बनी थी, परसों भी बनी थी, ये वीडियोस कॉलेज का यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है GCYEH, GCYEH, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एजुकेशन एंड हेल्थ इन शॉर्ट, और GCYEH, उस पर ये दो दिन की वीडियो तो डल गई, ये आज वाली भी उसमें डाल दी जाएगी। बाई चांस किसी को याद ना रहे तीनों एक्सरसाइजेस, तो ये वीडियोस देख के आपने कर लेनी है। और क्या करना है, क्या बोलते होते हैं यूट्यूब वाले, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक तो आपने अपनी मर्जी से करना है, वो नहीं बोलूंगा, वो तो आपको अच्छा लगेगा तो करना है, और उस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करना है, ताकि दूसरे लोग भी उन एक्सरसाइजेस को कर सके। दूसरा चैनल एक और है, जैसे किसी को प्रॉब्लम है सर्वाइकल की, बैक की, अर्थराइटस की, कॉन्स्टिपेशन की, तो मेरा खुद का चैनल है एक, रोशन योगा के नाम से, वो भी उस चैनल के साथ लिंक है, दोनों चैनल लिंक है, तो उस पर भी सीरीज में वीडियोस पड़ी हैं, बैक की अलग, सर्वाइकल की अलग, अर्थराइटस की अलग, तो आपने उस चैनल पर भी जाना है और उसको भी क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और उसमें जो वीडियो ठीक लगे उसको फॉरवर्ड कर देना है,
ताकि दूसरों को, और उस चैनल से तो बहुत सारों को बेनिफिट मिला है, खासतौर पर बैक एक वालों को। तो चीजें याद ना रहे तो इस तरह की सोशल मीडिया का हम उपयोग करते हैं। मैं मना नहीं कर रहा इसको करने को, क्योंकि मेरे मना करने से आप रुकने वाले नहीं हो, और ना हम भी नहीं रुकने वाले, तो आप कैसे रुकोगे। तो उसका सही से सदुपयोग, क्या चीज हमारे बेनिफिट की है। तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कॉलेज के फेसबुक पे सारी हेल्थ की वीडियोज ही मिलेंगी, जहां देखोगे आपको तिरेक ताड़ासन मिलेगा, ताड़ासन मिलेगा, खाना क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, माइंड को कैसे ठीक रखना है। अभी सोशल मीडिया के आधार पे पीछे वो दीदी शिवानी का नाम सुना है, सिस्टर शिवानी ब्रह्म कुमारी से, व्हाइट कपड़े पहन के जो बोल रहे होते ना कि मन को कैसे ठीक रखना है, उनका वेबिनार था शनिवार को, वो सोशल मीडिया के आधार पे ही था, यूट्यूब पे था लाइव। तो इस तरह की चीजें आपको देखनी है, सोशल मीडिया का ठीक से उपयोग करना है। तो ये दो चार बातें मेरे माइंड में थी, मैं शेयर करना चाहता था, और एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने थैंक यू मेरे जैसे प्राणी को 3 दिन सहन किया, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों के साथ ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज करके। आपकी शरारतें मुझे, आपको लगता होगा कि शरारतें सर को तंग करना है, मैं बहुत शरारती था, तो मुझे शरारतें जो करते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। जो शरारत करेगा वही कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी इतनी है, शरारती बच्चा उसके अंदर एनर्जी इतनी है, उसने एनर्जी को डायरेक्ट रीडायरेक्ट करना है, दूसरी दिशा में मोड़ना है। ऐसा नहीं है कि जो शरारत नहीं करते वो नहीं ठीक होते, ये सारी शरारतें करने लग जाओ, उनकी अपनी एनर्जी है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, स्कूल प्रशासन का, प्रिंसिपल मैम का, यहाँ के स्टाफ का, और जब तक मैं खड़ा हूँ वो भी खड़े रहते हैं मैम, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पर मुझे और अच्छा लगेगा कि आप योग को जीवन में अपनाओ सभी लोग, और धीरे धीरे देखना, हम अपने मम्मी पापा की बहुत ठीक से मदद करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है लेकिन नहीं कर पाते, पर हम खुद करके देखें थोड़ा थोड़ा, तो शायद उनकी भी मदद कर पाए किसी प्रॉब्लम में, किसी मेंटल स्ट्रेस में, किसी घर की समस्या में, तो उनके सहयोगी बन सके, तो फिर हमारा जीवन सुंदर होता है। तो अभी हम प्रेयर और राष्ट्रीय गान करेंगे, ठीक। तो कौन बच्चे हैं प्रेयर वाले, वो आ जाओ इधर अभी। हाँ जी, राष्ट्रीय गान ही करना है। मैम बताएंगे वो, तो मैम क्या कराना है, बस फिर प्रेयर वाले बच्चे आ जाओ, और होंगे 4-5, और सबको प्रेयर सबको आती है। अच्छा ठीक है, ठीक आ जाओ बेटा, नेशनल एंथम के लिए 4-5 बच्चे आ जाओ, बाकी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, और सावधान की स्थिति में खड़े हो जाओ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविण उत्कल गंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ आशीष मांगे गाहे सब जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन।